चित्राल में जिला इंतजामिया ने सस्ता बाजार लगाए, जिसके लिए तीसरी बार जगह तब्दील की गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी एक सस्ता बाजार में खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि सस्ता बाजार का क्या सूरत हाल है और आया यहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें सस्ती मिलती हैं या सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है। जी गुल हमाद फारूकी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, असल में खड़ा हूँ सस्ता बाजार में। यहाँ पे लोगों से हम पूछेंगे कि सस्ता बाजार में सस्ता नाम का कोई चीज़ भी है कि नहीं, या सिर्फ बाज़ार है, सस्ता नहीं है। लोगों को जब हमने बातचीत की तो लोगों का ये कहना है कि ये तीन जगह तब्दील हो गया। पहले खुड़पिश में सस्ता बाज़ार लगाया गया था, उसके बाद अतालिक पुल के सामने सस्ता बाज़ार लाया गया, और ये तीसरी जगह यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है। वो एक पटिंग के, अच्छा अच्छा टमाटर वो बेच दे 120 रुपये, इसके बेटे 140 रुपये। ये सस्ता बाजार नहीं है, ये हुंडा बाजार है। हुंडा बाजार बोलते हैं ना, हुंडा बाजार है, सस्ता बाजार नहीं है। बस ये सारी महंगाई इधर होता है। लोगों से हमने जो बात की, उनका ये कहना था कि सस्ता बाजार में सुबह के टाइम जो है आटा आता है महदूद पैमाने में। यहाँ पे न छोटा गोश्त है न बड़ा गोश्त है। इसी तरह जो चिकन है, मुर्गियाँ, वो महदूद पैमाने में आते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो लोगों का ये कहना था कि भाई इस सस्ता बाज़ार का मतलब ये होना चाहिए कि भाई इस यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो, सिर्फ नाम का सस्ता ना हो। यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें आटा है, सस्ता घी है, गोश्त छोटा बड़ा और पल और हर किस्म की चीज़ सस्ता होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इस रमज़ान के महीने में यहाँ से सस्ती चीज़ें लेकर रोज़ा आसानी से गुजार सके। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा, बोल न्यूज़ अपडेट कर रहे थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।